इस समाचार के प्रायोजक हैं गोल्ड्स जिम मुजफ्फरपुर, क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में आपकी आंखों में। बिहार में दूसरे राज्यों से खुलेआम शराब की तस्करी हो रही है। गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रशासन के आंखों में धूल झोंकते हुए कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट लगाकर कारोबारी दिल्ली से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक पहुंच गए। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब के साथ गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। गुरुवार के दोपहर जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था, तभी एक सफेद रंग की यूपी नंबर स्विफ्ट कार आई, जिसे चेक करने के लिए पुलिस के द्वारा रोका गया। तभी कार चालक गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो देखा कि गाड़ी में भारी मात्रा में शराब की बोतलें रखी हुई है। पुलिस ने गाड़ी समेत शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस द्वारा गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट की जांच की गई तो नंबर एक मोटरसाइकिल का निकला। वहीं नंबर प्लेट के दूसरे तरफ हरियाणा का नंबर लिखा हुआ था। गाड़ी के अंदर तलाशी लेने पर गाड़ी के कागजात भी मिले हैं, जो कि दिल्ली का निकला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले पर टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि सदर थाना के अपर थाना अध्यक्ष मशीर आलम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक कार चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा। गाड़ी के चेकिंग करने पर उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। सर, अब हमारे सदर थाना के सब इंस्पेक्टर जो है मुशीर आलम चेकिंग कर रहे थे, पुलिस को देख कर कर करके एक गाड़ी वाला गाड़ी छोड़ कर कर भाग गया, और उस गाड़ी को जब हम लोग चेक किए हैं तो उसमें शराब का बोतल मिला है। कितना करीब 485 बोतल है। गिरफ्तारी भी है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, छोड़ कर भाग गया था आदमी। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में आपकी आंखों में।